मोतिहारी के आर्य विद्यापीठ बाल गंगा रघुनाथपुर में आज बिहार राज्य विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन कला एवं संस्कृति विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के सहयोग से किया गया। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय यह प्रतियोगिता बालिकाओं के लिए 3 श्रेणियों में अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 के लिए 15 मार्च से 17 मार्च तक आयोजित किया गया है। इस अवसर पर पहुंचे पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि आर्य विद्यापीठ स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत कुमार ने उनका स्वागत स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया। मौके पर खेल का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा झंडोत्तोलन कर किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों, रेफरी और खेल निर्णायक मंडल से परिचय प्राप्त किया और खिलाड़ियों को खेल के नियम भी बताए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि सबको अपने जीवन में एक खेल को चुनना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी कभी भी हार नहीं मानते और जीवन की किसी भी चुनौतियों से नहीं घबराते हैं और जीवन की किसी भी परिस्थितियों में खुद को समायोजित करने की क्षमता उनके अंदर होती है। यह टीम भावना और जीतने की आदत के साथ हार को भी उसी खेल भावना के साथ स्वीकार करना सिखाता है और साथ ही अपने प्रतिद्वंदी की इज्जत और सम्मान करना भी सिखाता है। प्रतिस्पर्धा यहाँ पे हो रही है बच्चियों के लिए जी, तो यहाँ पे अभी आर्य विद्यापीठ के कैंपस में यहाँ पे भी आयोजित की जा रही है और 2 दिन के बाद जो है इनका जो प्रतिशतीकरण समारंभ होगा। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये गेम इम्पॉर्टेंट है और पूर्वी चंपारण विशेष तौर पे जो है ताइक्वांडो में अच्छा मेहनत कर रहे हैं यहाँ के विद्यार्थी और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो इस तरीके के इवेंट्स जो है आगे आने वाले समय में भी प्रयास रहेगा कि उनके लिए आयोजित करेंगे ताकि जो राज्य का बेस्ट है वो अपने ही जिले में जो देख पाएंगे तो और भी बच्चे जो है मोटिवेट हो जाएंगे। कार्यक्रम में आर्य विद्यापीठ के संस्थापक SP सिंह और मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत कुमार समेत विद्यालय के सभी शिक्षक आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने वहां संचालित फूड कैंटीन और जीविका दीदी द्वारा चलाए जा रहे दीदी की रसोई का निरीक्षण किया तथा विद्यालय भवन, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, लाइब्रेरी आदि सभी कक्षों का भ्रमण किया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्ता आपदा अनिल कुमार, जिला समादेष्टा होमगार्ड डॉ अशोक कुमार प्रसाद, श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जूली कुमार समेत जिले के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जी, ये राज्य स्तरीय ताइक्वांडो बालिकाओं का प्रतियोगिता है जो अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 आयोजित किया जा रहा है और इस बार जो मिला है इसका आयोजन करने का, साधारणतया तो जिला राजधानी में होता है लेकिन इस बार पूर्व चंपारण जो प्रशासन को मिला है और प्रशासन हमारे यहाँ करवा रही है। हमारा सौभाग्य है कि आर्य विद्यापीठ के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह जो कार्यक्रम है इसे एक तो बेनिफिट ये मिलता है कि अगर जैसे मेरे स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, सारे बच्चे हैं, देखते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और जितने भी बच्चे जो पार्टिसिपेट किसी तरह गेम्स में नहीं करते हैं, खास के सरकारी स्कूलों में तो सारे करते ही करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में कहीं ना कहीं मैं एक पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा, प्राइवेट स्कूल भी कोई भी ऑर्गेनाइज कराती है बट पेरेंट्स आगे बढ़ के बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं कि उसमें पार्टिसिपेट करें। खेल एक ऐसा माध्यम है जो कि साधारणतया जाना जाता है कि फिजिकल जो है फिटनेस बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को और जितने भी अभिभावक हैं उनको समझना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी आता है और मेंटल फिटनेस में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अभी के समाज में, खास के जो अभी चल रहा है उसमें, बच्चों को हारना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह उनको आगे चल के एक एरोगेंसी जो डेवलप हो जाता है लोगों में उसमें कहीं ना कहीं योगदान कर दिए कि एरोगेंसी को डेवलप ना होने दें। जो आज के सोसाइटी हम देख रहे हैं कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, सब आगे मरने मारने को तैयार हैं, तो उससे खेल से वो खेल की भावना में यह एक बहुत अच्छा आता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास के साथ साथ एक बौद्धिक विकास भी इसमें जुड़ा हुआ है और बहुत बौद्धिक विकास है हारना जीतना।